रहीम यहाँ पे आज मैं आपको एम आपके साथ शेयर करना आ, करने जा रहा हूँ ग्रेट ए जन साइंस बुक का जो पहला यूनिट है एकोलॉजी इससे मैंने तकरीबन फोर्टी एम सिक्यूज़ एन के लिए बनाए हुए हैं तो यहाँ पे करेक्ट आप आंसर आपको सिर्फ मैं दे दूँगा और दूसरी बात यह है कि आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है तो पेपर में किस तरह का एम सी क्यूज़ भी आ जाए जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं आइए ग्रेडेट यूनिट वन एम सी क्यूज एकॉलॉजी टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी टू फर्स्ट वन है द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन औरगैनिज्म एंड दिनमेंट इज कॉल्ड एक्लॉजी इसके साथ फिजियोलॉजी भी लिखा होगा बयालॉजी भी लिखा होगा केमिस्ट्री भी लिखा हुआ होगा तो वो ताल्लुक़ जो जानदार और माहौल के दरमियान है उसको हम कहते हैं इकोलॉजी। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ इकोलॉजी। सेकंड वन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ऑन अर्थ एटमॉस्फेयर इज ट्वेंटी वन परसेंट तकरीबन इक्कीस परसेंट ऑक्सीजन की मिकदार है इस प्लेनेट में ज़मीन में इस दुनिया में तो करेक्ट ऑप्शन ट्वेंटी वन परसेंट है ट्वेंटी एट और फोर्टी और सेवेंटी जो भी लिखा होगा आपको ये करेक्ट परसेंटेज uh, याद करनी है तो ये ऑप्शन आप करेक्ट uh, कर सकते हैं फिर अगर एम सी क्यूज पेपर में आ जाए थर्ड वन बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसेंथिस ऑक्सीजन गैस बाई प्रोडक्ट फजूल मादा फजूल तो नहीं कह सकते इसलिए कि ये ऑक्सीजन गैस हम इस्तेमाल करते हैं तो सीधी सादी बात यह है कि ज्यादा तलीफ़ के दौरान जब पौधे खुराक तैयार कर रहे होते हैं तो उस वक्त वो ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करते हैं सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑक्सीजन गैस जब भी फोटोसेंथिस होती है ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होगी fourth one the gas absorbed during photosynthesis carbon dioxide gas jab photosynthesis hogi to si gas absorb carbon dioxide gas absorb hogi oxygen gas release carbon dioxide gas absorb fifth one the gas used in respiration to get energy is oxygen gas वो गैस जो हम अमले तनफस के दौरान ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज के लिए जो हमारी बॉडी में जो गैस इस्तेमाल होती है वो है ऑक्सीजन गैस आपकी ऑब्जरवेशन है हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस को अंदर ले जाते हैं यही ऑक्सीजन गैस होलीओ में ग्लूकोज के साथ मिल के कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं और इसके साथ एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है तो ऑक्सीजन गैस रेस्परेशन के दौरान बॉडी के अंदर चली जाती है Six, द अमाउंट ऑफ कार्बन dioxide इन atmosphere इज़ 0.04 percent. Carbon dioxide कार्बन डाईआक्साइड की मकदार माहौल में 0.04 पॉइंट है आजकल शायद 10-20 साल बाद ये 0.05, 0.06, 1 हो जाए कुछ भी हो सकता है सेवन इन कम्बशन सी ओ टू इज़ रिलीज कम्बशन कहते हैं जलने को जब भी ओ, 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 आग लगती हैं कहीं पे भी आग लगी हुई हो यानी जलने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़रूर रिलीज़ होगी ठीक है तो कम्बशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होगी आपको एम में वो दे सकते हैं ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड एट्सट्रा सो कम्बन के दौरान ये गैस ज़रूर रिलीज़ होगी एट नंबर इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ़ द अर्थ इस कार ग्लोबल वार्मिंग अच्छा अब जो माहौल में औसतन दर्ज हरारत बढ़ने को हम क्या कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग यानी माहौल में आप देख लें आ, इनर्जी सॉरी टम्परेचर दर्ज हरारत आ, बढ़ रही है ये किस वजह से ये माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार जब ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से सनलाइट जो रोशनी है उनकी शुआ सन की वो ऊपर वापस नहीं चली जाती जिस और इसी बिना पे माहौल में गर्माइश वो बढ़ के ज़्यादा हो रहा है तो इसलिए हम इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग तो ग्लोबल आलमी सतह पे जो टेंपरेचर का जो रेशो है टेंपरेचर की जो वैल्यू है वो बढ़ती चली जा रही है तो इस आलमी सतह पर इस गर्मी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग हर साल हम देखते हैं दर्ज हरारत वो स्क्रीन पे टीवी पे आप अंदाज़ा लगाएं वो इंक्रीज़ होता चला जा रहा है और साइंटिस्ट कहते हैं कि इस सदी के अख्ताम में तकरीबन टू तो टू तो थ्री तो परसेंट ये इंक्रीज़ आ सकता है नाइन नंबर इन द लास्ट हंड्रेड इयर्स द टेम्परेचर हैज़ इंक्रीज़ बाय वन डिग्री तकरीबन पिछले सौ सालों में कितना टम्परेचर में कितनी इंक्रीज़ आई हुई है वन डिग्री सेंटीग्रेड और साइंटिस्ट ये कहते हैं कि अगले सौ सालों में आने वाले सौ सालों में दो से तीन डिग्री सेंटीग्रेड टम्परेचर वो बढ़ सकती है क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा होती चली जा रही है तो नेक्स्ट जो आने वाले सौ साल है उसमें आबादी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो ये सौ साल में वन तो सौ साल में दो तीन परसेंट ये गर्मी ज़्यादा हो सकती है टेम्परेचर वो बढ़ सकता है अच्छा द मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ़ ग्लोबल वार्मिंग इज़ ह्यूमन पापुलेशन सबसे ज़्यादा हिस्सा डालने वाला कौन है ग्लोबल वार्मिंग का आलमी सतह पे जो गर्मी है या टम्परेचर की जो इंक्रीज है उसका जो मेन काज है वो है ह्यूमन पापोलेशन इंसानी आबादी ठीक है अच्छा जी तो एलेवन लीडिंग ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड, लीडिंग जो सब गैसों को गैसेस को मार डाले लीडिंग का मतलब है नंबर ले जाने वाला सबसे ज़्यादा मकदार में किरदार किस गैस का है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ट्वेल्व अनप्लान रिमूवल ऑफ ट्रीज़ ऑन लार्ज स्केल इसकाल डिफारस्टेशन अनप्लान बग़ैर किसी प्लानिंग के किसी सोच विचार के दरख्तों को काटना इसको हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन थर्टीन एनिमल्स कम्प्लीट फॉर फूड सॉरी कम्पीट मुकाबला करते हैं फॉर फूड वाटर एंड स्पेस टू लिव एम एक्सक्यूज में आ सकता है कि एनिमल्स कम्पीट फॉर फूड वाटर एंड डेश तो यहाँ पर आप स्पेस लिखेंगे अगर वो कहें कि एनिमल्स कम्पीट फॉर डेश वाटर एंड स्पेस तो यहाँ पर फूड लिखें ये तीन आप ज़रूर याद कर लें तो जो भी टेस्ट में ये ऑप्शन आएगा उसको आप करेक्ट मान लें फोटीन द एनिमल विच इज़ हंटेड एंड क्ल्ड बाय द प्रीडेटर इज कॉल्ड प्रे वो जानवर जो शिकारी उसको मारे और वो उसकी खुराक बन जाए तो उस जानवर को हम कहते हैं शिकार यानी ये, ये शिकार कर रहा है ये जानवर और ये शिकार हो रहा है तो इसको हम प्रे कहते हैं और इसको हम प्रीडेटर कहते हैं ठीक है तो जो शिकार कर रहा है उसको हम प्रीडेटर कहते हैं और जो जिसका शिकार हो रहा है वो प्रे है ठीक है फिफ्टीन द कार्निवर्स पिचर एंड वेनस फ्लाई ट्रेप ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो गुशहोर पौधे हैं उनमें एक पिचर प्लांट शामिल है और दूसरा वेनस फ्लाई ट्रेप शामिल है तो एम सिक्यूज में ये आ सकता है ठीक है अगर ये उन्होंने दिया हुआ होगा तो ये आप लिख लें अगर दोनों का पूछ रहे क्वेश्चन में तो फिर दोनों आप लिख लें ठीक है अच्छा सिक्सटीन रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज इस कार्लिम्बियास वो मैंने आपको बताया है के दो जानदारों के दरमियान नस्लों के दरमियान जो ताल्लुक़ होता है उसको हम कहते हैं सिम्बियासिस रिलेशनशिप के बजाय आप कहते हैं एसोसिएशन भी लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन में एसोसिएशन आ जाए या रिलेशनशिप तो दो जानदारों के दरमियान जो ताल्लुक़ है एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाने का या एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का या एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते और दूसरे को कुछ नुकसान नहीं होता ये तीनों हैं तो कलेक्टिवली इन तीनों कम द एसोसिएशन इन विच वन नंबर इज़ हार्म पैरासिटिज्म वो ताल्लुक़ जिसमें एक मेंबर, एक रुकन फ़ायदा मंद हो और दूसरा नुकसानदेह हो तो इसको हम कहते हैं ठीक शू, ठीक है तो पैरासाइटिज़म भी लोग कहते हैं पैरासिटिज्म भी कहते हैं तो आप इसको ये बात ज़रूरी समझें एक को फ़ायदा है दूसरे को नुकसान है तो यह पैरासीटीज़म है अगर एक को फ़ायदा है और दूसरे को ये दोनों को फ़ायदा है म्यूचुअलिज्म है एक को फ़ायदा है दूसरे को ना नुकसान है ना फ़ायदा वो काम इनसेलिज़म है अच्छा लिवर फ्लोक इज़ इन्वॉल्व इन पैरासिटिज्म लिवर फ्लोक जो जानवरों के मैदों में पाए जाते हैं गट में तो इस से क्या मुराद है इट इज़ पैरासिटिज्म क्योंकि ये जानदार जानवरों से खुराक हासिल करते हैं और उनमें बीमारियाँ पैदा करते हैं तो इस एसोसिएशन को हम कहते हैं पैरासिटिज्म नाइनटीन सिम्बियाटिक एसोसिएशन इन विच बोथ मेम्बर्स गेट बेनिफिट इज म्यूचुअलिज्म वालुक़ जिसमें दोनों जानदारों को दोनों पार्टनर्स को फ़ायदा हो फिर उसको हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म अच्छा ट्वेंटी द वटामिन इन अवर इंटरस्ट हेन इज प्रोवाइडेड बाई बिया हमारी जो आंत है वहाँ पे विटामिन की प्रोडक्शन कौन करता है वो बैक्टीरिया यानी बाज़ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो विटामिन प्रोड्यूस करते हैं तो इसका मतलब है कि बाज़ बैक्टीरिया वो यूज़फुल भी है तो हमारे इंटस्टाइन में ये विटामिन प्रोडक्शन ये किसका काम है बैक्टीरिया का ठीक है अच्छा जी वीडियो पर लेंथी हो जा है हमारे साथ रहिएगा इन नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 21, 22 और 40 तक की आपको समझाएंगे और आपके साथ ये एम शेयर करते जाएंगे थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज़